क्या हाल है भैया? अभी मैं निकला हूँ दूसरे व्लॉग के लिए और अपने ऐसी जगह पे निकला हूँ कि जो पुराने ज़माने में आपको देखने को मिलता था ना, वो सारा वहाँ माहौल यहाँ पर दिख रहा है। ये मेरे गांव के बाहर का रास्ता है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल कच्चा है, अभी इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल खिली नहीं है क्योंकि बारिश हुई है। और मैं आपको दिखा सकूं तो नई नई घास बिल्कुल निकलने जा रही है। ये देखिए ये घास है। इसी तरीके मैं जिस सिलसिले में गया हूं तो मुझे देखना है खम्बी, जो बारिश के मौसम में निकलती है, तो वो तलाश कर रहा हूं मैं। अगर कहीं मुझे मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। वो खाई जाती है, बड़ी लजीज होती है, उसकी सब्ज़ी पकाई जाती है। और तो ये होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एक्सप्लोर करना बड़ा भारी भी होता है और अजीब सा भी होता है। दिखे ना दिखे इसकी मर्जी हो भाई, कहाँ उड़ रहे हो? ये देखो ये उड़ गया, डरा ही दिया था इसने तो। बहरहाल मैं तलाश कर रहा हूँ, झाड़ियाँ काफ़ी हैं, काफ़ी कांटे वगैरह हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ मिल जाए हमें कहीं से जिसकी हमें तलाश है। अब इधर की तरफ मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अब इधर कोई ज़्यादा आबादी लगती नहीं है और लग रहा है कि शायद ये मेरे हिसाब से उधर कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं, नीम वगैरह के, आम के भी पेड़ हैं शायद एक दो यहाँ पे। बहरहाल हमें जो चीज़ चाहिए थी वो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। मैंने उसको काफ़ी तलाश किया है लेकिन दिख जाती तो अच्छा रहता। मैं सोच रहा था कि आप भी देख लेते उसको, आप क्या अगर होती है तो। जब असल में जब अच्छी बारिशें, तेज़ बारिशें होती हैं ना, तो उस वक्त ये होती है जो खम्भी कहा जाता है। और अभी भी तलाश जारी है, मैं इसको तलाश करता हूँ। तब तक मैं इसको रोकता हूँ इस व्लॉग को, और फिर उसके बाद मुझे मिलते ही मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, खुशी की बात यह है कि शायद यहाँ पर मुझे सामने एक दो खम्भियाँ नज़र आ रही हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी तलाश के बाद आखिरकार मिल ही गई। यहाँ तो बड़ी हरियाली है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप इसको कहते हैं खम्भी। ये इंतज़ार ख़त्म हुआ, ये देखिए ये बड़ी अजीब सी होती है। दूसरी ये रही, दो हैं यहाँ पे। अच्छा, तीसरी वो रही, ये भी देख लें। इसको ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसे साफ नज़र आ रही होगी शायद, ये देख लें तो खम्बी कहा जाता है। तो यहीं पे मिल गई है, आसपास में ही, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा हमको। खैर, ब्लॉग कैसा लगा अपनी कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही देसी ब्लॉग मिलेंगे भाई। यहाँ पे कोई कोई फैशन नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, एडवांस चीज़ें हैं ही नहीं। मैं तो यहाँ पे सीधे साधे व्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ। गाँव है छोटा सा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया।